चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है सरफेस कंडेंसर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सरफेस कंडेंसर को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के मदद से हम लोग सरफेस कंडेंसर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, सरफेस कंडेंसर को समझने से पहले हमने एक वीडियो बनाया था रैंकाइन साइकिल का, उसमें हम लोग एक टेम्परेचर और एंट्रोपी का रिलेशन बनाए थे। ठीक है, तो देखिए यह क्या होता है, हमारा टेम्परेचर होता है और यह क्या होता है, हमारा एंट्रोपी होता है। अगर यह वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज जाके इसको चेक कीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो देखिए, यह जो होता है टीएस डायग्राम के अंदर, यह उसको बोलते हैं हम लोग वेपर डोम। और वेपर डोम में होता क्या था कि ये इधर जोन में हमारा लिक्विड होता था और वेपर डोम के इस साइड जोन में हमारा वेपर जोन होता है, वेपर होता था। और डोम के अंदर लिक्विड भी प्रेजेंट रहता था और वेपर भी प्रेजेंट रहता था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे याद आ रहा होगा तो यहाँ से पंप के द्वारा बॉयलर में वाटर प्रोवाइड करते थे और बॉयलर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन होता था। उसके बाद हम लोग सुपर हीट करने के बाद टरबाइन के अंदर एक्सपेंड करवा देते थे। एक्सपेंड कराने के बाद यहाँ से हमारा क्या होता था, जो प्रोसेस होता है वो आइसोबारिक प्रोसेस पे, यानी प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस पे हम लोग क्या करते थे, ये हमारा कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन करवाते थे। तो कौन सा हीट का रिजेक्शन कराया वो चीज देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, हमारा वेपर है, यहाँ पे लिक्विड है। टेम्परेचर देखा जाए तो दोनों का वेपर इक्वल टू लिक्विड, दोनों सेम ही है। यानी हमारा केवल क्या हुआ, फेज चेंज हुआ, वेपर था वो उसको केवल लिक्विड बना दिए। तो इसके अंदर कौन सा हीट का रिजेक्शन किए, तो लेटेंट हीट। अगर आप लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको भी प्लीज चेक कर लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा लेटेंट हीट क्या होता है और सेंसिबल हीट क्या होता है। तो देख लीजिए, हमारा अब समझ में आ गया, इस डायग्राम से हमको समझ में आ गया रैंकाइन साइकिल से, कि हमारा जो सरफेस कंडेंसर है एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। तो हीट एक्सचेंजर भी दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। तो क्लोज टाइप में ये होता है कि जो भी हमारा स्टीम और वाटर दोनों एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होगा, तो इसके अंदर मिक्सअप नहीं होता है। तो यह क्या होगा, एक हमारा क्लोज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हो गया, जिसके अंदर हम लोग स्टीम का लेटेंट हीट रिजेक्ट करवाते हैं। और जब हमारा स्टीम रिजेक्ट हो जाएगा, लेटेंट हीट अपना रिजेक्ट करने के बाद वो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, अभी हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा वाटर इन, यानी पानी यहां से इन करेगा, और ये दिख रहा होगा आपको वाटर आउट। ठीक है, तो पहले इसके बात कर लिया जाए तो यह जो है हमारा ब्लैक कलर का जो दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल ये चारों तरफ जो ब्लैक कलर दिख रहा है, यह हमारा क्या होता है, सरफेस कंडेंसर का सेल होता है। ये पूरा फुल्ली टाइट होता है, एयर टाइट होता है, इसके अंदर कोई भी चीज इंग्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यह जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, यह क्या है, हमारा ट्यूब है। ठीक है, सेल के अंदर ट्यूब का इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर हमारा कूलिंग वाटर फ्लो करता है। ठीक है, अब हम लोग यह जो वाटर इनलेट की बात किए, ये वाटर कहां से आता है। ठीक है, तो वाटर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर का फंक्शन हम लोग डिटेल से आगे करके बात करेंगे। तो कूलिंग टावर के नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक सम्प होता है, वहां से एक MCW पंप यानी मेन कूलिंग वाटर पंप के द्वारा यहां पे पानी हम लोग एंटर करवाते हैं कंडेंसर के पास, और फिर जो पानी आउटलेट होता है वो फिर से कूलिंग टावर में, वो कूल होने के बाद फिर से सम्प में कलेक्ट हो जाता है। उसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, होता क्या है, यह जो आपको पैसेज दिख रहा होगा, ठीक है, इस पैसेज से हमारा वाटर इन करेगा, और यहां पे देखिए आपको दिख रहा है, इसको हम लोग पार्टीशन बोल सकते हैं। ठीक है, यह एक पार्टीशन है जो कि इसको इधर जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो वाटर जो है हमारा इधर इन करेगा, ठीक है, इस ट्यूब के माध्यम से, इस ट्यूब के माध्यम से हमारा, ये देखिए इधर आया, फिर इधर हमारा इन होगा, और यहां से हमारा ट्यूब से क्या हो जाएगा, वाटर आउट होगा। अब आउट होने के बाद फिर यह क्या होगा, इस ट्यूब के द्वारा, इस ट्यूब के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, और एंटर करने के बाद यहां से हमारा आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा सर्कुलेशन ऑफ वाटर समझ में आ गया, कि इस ट्यूब के द्वारा हमारा दो हाफ में रहता है, एक बॉटम हाफ एक टॉप हाफ। तो बॉटम हाफ से पानी इधर से एंटर करता है और टॉप हाफ से हमारा पानी आउट हो जाता है, और यहां पे हम लोग पार्टीशन दे देते हैं। ठीक है,
ठीक है, पार्टीशन देने की वजह से, मतलब इसको आप बेफल्स भी बोल सकते हैं कि इसको उधर रेस्ट्रिक्ट कर देता है, यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट देते हैं। ठीक है, तो हमारा पानी इसमें आ गया। अब देख लीजिए, हम लोग आते हैं, इसको स्टीम का जरूरत पड़ेगा ना, ठंडा किसको करेंगे, स्टीम में। तो देखिए, यहां से जो हमारा टर्बाइन का एक्सपेंशन होने के बाद, जो भी स्टीम के अंदर, स्टीम का एक्सपेंशन होने के बाद, टर्बाइन जहां से, स्टीम जहां से लीव करता है टर्बाइन को, उस एरिया को बोलते हैं एग्जॉस्ट हुड। यानी यहां पे जो कनेक्ट रहेगा वो क्या होगा, टर्बाइन के एग्जॉस्ट हुड से कनेक्ट रहेगा, और एग्जॉस्ट हुड और यह कंडेंसर का जो सेल है, इन दोनों के बीच में हम लोग एक एक्सपेंशन ज्वाइंट बना देते हैं। एक्सपेंशन यह क्या करता है, जो भी थर्मल एक्सपेंशन होगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा स्टीम क्या है, जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो एंटर करता है। ठीक है, अब हमारा ट्यूब के अंदर हमारा पानी है, और ट्यूब के बाहर क्या हो जाएगा हमारा, यह मैंने ऐसे दे दे रहा हूं, स्टीम होगा। तो क्या करेगा ये वाटर, क्या करेगा, इस स्टीम का एनर्जी, जो भी लेटेंट हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर यहां पे जो हमारा कोल्ड था, यहां पे हमारा कोल्ड वाटर था, यहां पे जो आउटलेट होगा वो क्या होगा, हॉट वाटर आउटलेट होगा, क्योंकि इसका हीट जो है एब्जॉर्ब कर लिया। और जो स्टीम जो है कंडेंस होने के बाद ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, वाटर बन जाएगा। तो वाटर बनने के बाद हम लोग एक नीचे देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा हॉट वेल, हॉट वेल में हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसको हॉट वेल क्यों बोलते हैं, हॉट वेल का मतलब क्या होता है, एक कुआं होता है, और हॉट का मतलब इसके अंदर जो वाटर रहता है वो हॉट रहता है, इसीलिए हम लोग इसको हॉट वेल बोल देते हैं। ठीक है, हॉट वेल का लेवल भी हम लोग नियरली 50% मेंटेन करते हैं। यहां पे आपका एक लेवल ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है जो कि शो करे हमारा 50% इसके अंदर हॉट वेल का लेवल मेंटेन करते हैं। और हॉट वेल के नीचे क्या करते हैं, एक पंप लगा देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीईपी। ठीक है, और यह पंप क्या करता है, फर्दर इस वाटर को नेक्स्ट जहां पे भी ले जाना, जैसे इजेक्टर होते हुए हमारा डिएरेटर में, एलपी हीटर होते हुए जो भी, तो ये समझ लीजिए कि ये पानी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सीपी से कंटिन्यू पानी इवैक्यूएट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, तो यह क्या हो गया, सरफेस कंडेंसर हमारा एक हीट एक्सचेंजर हो गया, जो कि क्लोज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हो गया। स्टीम हमारा ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये सरफेस कंडेंसर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें बोलते हैं डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर। तो यह जो स्टीम हमारा डाउनवर्ड में आ रहा है तो इसको बोलेंगे डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर। एक हमारा होता है सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर होता है, उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। और भी होते हैं, जैसे इवोपरेटिव कंडेंसर होता है, या हमारा रीजेनरेटिव सरफेस कंडेंसर होता है, इसके बारे में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। यह क्या है, हमारा डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर है। तो देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, इसको और भी हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा इस वाटर जो है इधर से आ रहा है, ठीक है, और स्टीम जो है हमारा परपेंडिकुलर इसके आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्रॉस हमारा सरफेस कंडेंसर है, क्रॉस सरफेस कंडेंसर, क्रॉस टाइप ऑफ सरफेस कंडेंसर, क्योंकि एक दूसरे से वाटर और स्टीम के दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ये चीज हो गया। अब देख लीजिए, यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गया। यहां पे देखिए, आपको एक दिख रहा होगा, जब हम स्टीम को कंडेंस करते हैं तो नॉन कंडेंसेबल गैस हमारा यहां पे एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस नॉन कंडेंसेबल गैस को हमको रिलीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा स्टीम जो है टर्बाइन यहां से एग्जॉस्ट होने के बाद कंडेंसर में इजिली फ्लो हो, यानी टर्बाइन के अंदर स्टीम का फ्लो इजिली हो, इसके लिए हमको यहां से नॉन कंडेंसेबल गैस को रिलीज करना है। नहीं तो यह क्या होगा, एक्युमुलेट होके क्या होगा, प्रेशराइज करेगा, इस एरिया पे प्रेशर इसका बढ़ाएगा, जिसके वजह से टर्बाइन के अंदर जो भी एक्सपेंशन होता था उसमें रिस्ट्रिक्शन होगा। तो टर्बाइन के अंदर हमको एक्सपेंशन प्रॉपर हो, इसके वजह से यह जो नॉन कंडेंसेबल गैस है उसको हम लोग इजेक्टर के द्वारा हम लोग निकाल देते हैं, या कोई वैक्यूम पंप के द्वारा निकाल देते हैं, या हॉगर, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इजेक्टर कैसे वर्क करता है, हॉगर कैसे मतलब वर्क करता है। अगर यह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी प्लीज जाके आप लोग चेक कीजिए। तो यहां से इजेक्टर के द्वारा जो भी नॉन कंडेंसेबल गैस है इसको हम लोग रिलीज आउट कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, कंडेंसर के पास यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा यह क्या है, एक रैप्चर डिस्क है। इसका पर्पस क्या होता है कि मान लीजिए इन केस हमारा कंडेंसर के अंदर प्रेशर बढ़ने लगे,
तो प्रेशर बढ़ने के लिए कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं से एयर लीकेज हो गया, या मान लीजिए हमारा हॉट वेल, ये पंप काम नहीं कर रहा था, हॉट वेल लेवल हमारा बढ़ने लगा। तो जब बढ़ने लगेगा तो नॉन कंडेंसेबल गैस का जो एक्युमुलेशन है बढ़ते जाएगा और स्टीम जो आ रहा है वो आ ही रहा है, तो यह क्या होगा, एक बार कंडेंसर हमारा प्रेशराइज हो जाएगा। तो जैसे हमारा ये कंडेंसर प्रेशराइज होगा तो यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगा रहता है जिसको रैप्चर डिस्क बोलते हैं, या 1.5 या 2 केजी प्रेशर पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, फट जाता है। तो जब यहाँ से ये फट जाएगा, इस टाइप का रहेगा, तो जब फट जाता है तो क्या होगा, यहाँ से हमारा जो भी प्रेशर है वो रिलीज आउट हो जाता है। तो ये सेफ्टी के लिए हम लोग बोलेंगे रैप्चर डिस्क इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा इनलेट और आउटलेट, जो हमारा कूलिंग वाटर जो है, इनलेट और आउटलेट के डिफरेंस जो है, हम लोग मैक्सिमम कितना रखते हैं, मैक्सिमम जो डिजाइन होता है 10 डिग्री सेल्सियस से हमारा ज़्यादा नहीं होता है, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है, 10 डिग्री से ज़्यादा हम लोग अलाउड नहीं होता है कि इसके अंदर हम लोग ले जाएं। तो इसके वजह से 10 डिग्री से ज़्यादा ना हो, इसी की वजह से हमारा सरफेस कंडेंसर जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में इसको बनाया जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया जाता है सरफेस कंडेंसर को, ताकि हमारा ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी मान लीजिए कोल्ड वाटर यहाँ पे 35 है, ये 45 हो गया, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 डिग्री से ज़्यादा ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और एक चीज़, जो हम ये ट्यूब जो हम लोग लगाए हैं, तो जितना हमको कूलिंग पर्पज़ के लिए ट्यूब चाहिए, जितना हमारा मान लीजिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि कितना हमारा स्टीम का इसके अंदर इन हो रहा है, उसके लिए हमको ठंडा करने के लिए कितना वाटर चाहिए, कितना हमारे को सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सरफेस कंडेंसर का कैसे वॉल्यूम, ये सब चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कितना कूलिंग वाटर चाहिए, ये सब चीज़, ठीक है। तो मान लीजिए इसके अंदर जो ट्यूब जो हम लोग लगाते हैं, तो ट्यूब का जो अरेंजमेंट होता है, हम लोग ऑलवेज 10-12% एक्स्ट्रा ट्यूब ऑलरेडी लगा देते हैं, इसका ऑलरेडी हम लोग वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा के बनाते हैं, ताकि कोई ट्यूब अगर लीकेज वगैरह भी है तो उसको हम लोग डॉमी कर देंगे, तो भी हमको इसके परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका ट्यूब कहीं लीकेज हो गया, इसका सरफेस कंडेंसर का ट्यूब लीकेज हो गया, तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, तो देखिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ से आप पानी इसके अंदर फिलअप करते जाइए, ठीक है। पानी जब आपका पूरा इधर फिलअप हो जाएगा, तो जिस ट्यूब से लीकेज होगा उस ट्यूब में पानी इंग्रेस होगा, और यहाँ से जैसे मान लीजिए इस ट्यूब में लीकेज है, तो यहाँ से आएगा वो इधर या इधर कहीं फ्लो होगा, तो आपको डायरेक्ट और भरते जाइए, पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ट्यूब आपको लीकेज है, यहाँ से आप इसको अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको डमी कर दीजिए। तो ये चीज़ होता है प्रोसेस इसके एलिमिनेशन का। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सरफेस कंडेंसर के बारे में। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।